क्वेश्चन नंबर वन में हमारे पास दो पोलिनोमल गिवन है पहला पोलिनोमल है एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन एंड द सेकेंड पोलिनोमल इज एक्स प्लस वन अब यहाँ पे ये यह जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले हम एक दफ़ा रिमाइंडर थ्योरम को रिकॉल करते हैं अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स और उसको डिवाइड कर दिया जाए एक्स माइनस ए के साथ देन जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल आएगा एफ ऑफ के ये है हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ अब यहाँ पे ये जो पहला पॉलिनोमल है एक्स स्क्स थ्री एक्स प्लस सेवन इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स के साथ एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस सेवन नेक्स्ट हम ये करेंगे ये जो एक्स प्लस वन है इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे put x plus वन is equal to ज़ीरो then हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा minus वन के अब इसको हमने put करना है p of x में तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे p of minus वन एंड दिस इज इक्वल टू minus वन होल square plus थ्री into minus वन plus सेवन एंड दिस इज इक्वल टू 1 minus थ्री प्लस सेवन विच इज इक्वल टू फाइव अब यहां पे हमारे पास रिमाइंडर आ चुका है फाइव के इक्वल हैंस रिमाइंडर इज फाइव क्वेश्चन नंबर करते हैं क्वेश्चन नंबर टू में जो फर्स्ट पोलिनोमिल है वो है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर एंड द सेकेंड पोलिनोम इज एक्स माइनस टू तो सबसे पहले हम लिखते हैं पी ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर देन हम एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे पुट एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा टू के अब हमने p ऑफ x में पुट करना है टू को तो यहाँ पे आ जाएगा p ऑफ टू एंड दिस इज इक्वल टू टू क्यूब माइनस टू स्क्वेर प्लस फाइव इंटू टू प्लस फोर एंड दिस इज इक्वल टू एट माइनस फोर प्लस टेन प्लस फोर और ये इक्वल आ जाएगा एटीन के तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इक्वल आ रहा है एटीन के नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री फर्स्ट पॉलिनोमियल इज थ्री इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यू प्लस एक्स माइनस फाइव एंड द सेकेंड पोलिनोमियल इज एक्स प्लस वन यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा थ्री इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर फोर प्लस फोर एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस फाइव नेक्स्ट हम ये करेंगे एक्स प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक्स इक्वल आ जाएगा माइनस वन के अब हम पी ऑफ माइनस वन फाइंड करेंगे एंड दिस इज इक्वल टू थ्री इंटू माइनस वन रेट टू द पावर फोर प्लस फोर इंटू माइनस वन क्यूब प्लस इंटू माइनस वन माइनस फाइव एंड दिस इज इक्वल टू थ्री माइनस फोर माइनस वन माइनस फाइव एंड दिस इज इक्वल टू माइनस सेवन तो यहाँ पे हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इक्वल आ चुका है माइनस सेवन के क्वेश्चन नंबर फोर में जो पहला पोलिनोमियल है वो है एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री और दूसरा पोलिनोमियल है एक्स माइनस थ्री हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेर प्लस थ्री एक्स प्लस थ्री के नेक्स्ट हम ये करेंगे एक्स माइनस थ्री को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स इक्वल आ जाएगा थ्री के अब हमने फाइंड करना है पी ऑफ थ्री एंड दिस इज इक्वल टू थ्री क्यूब माइनस टू इंटू थ्री स्क्वेर प्लस थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री दिस इज इक्वल टू ट्वेंटी सेवन माइनस एटीन प्लस नाइन प्लस थ्री और ये इक्वल आ जाएगा ट्वेंटी वन के अब हमारे पास रिमेंडर आ गया है ट्वेंटी वन के इक्वल सो दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिज़ल्ट नेक्स्ट है हमारे पास यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन इफ़ द फर्स्ट पोलिनोमल इज़ अ फैक्टर ऑफ सेकंड पोलिनोमियल क्वेश्चन नंबर फाइव है उसमें फर्स्ट पोलिनोमल है एक्स माइनस वन एंड द सेकंड पोलिनोमल इज़ एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फाइव अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि हमारे पास ये जो फर्स्ट पोलिनोमल है एक्स माइनस वन ये एक्स स्क्र प्लस फोर एक्स माइनस फाइव का फैक्टर है या नहीं और ये हम चेक करेंगे फैक्टर थ्योरम की हेल्प से फैक्टर थ्योरम को एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं अगर हमारे पास एक पोलिनोमियल है x- माइनस ए ये f ऑफ x का तभी फैक्टर होगा इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो है हमारे पास फैक्टर थ्योरम। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ पे ये जो सेकंड पोलिनोमिल है एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव इसको नेम देते हैं पी ऑफ एक्स का एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव नेक्स्ट हम ये करेंगे x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट करेंगे पुट x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो देन हमारे पास x इक्वल आ जाएगा वन के अब हम फाइंड करेंगे पी ऑफ वन और चेक करेंगे क्या वो ज़ीरो के इक्वल आता है या नहीं आता पी ऑफ वन इज़ इक्वल टू वन स्क्वेयर प्लस फोर इंटू वन माइनस फाइव एंड दिस इज इक्वल टू वन प्लस फोर माइनस फाइव और ये इक्वल आ जाएगा फाइव माइनस फाइव के एंड दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो रिमाइंडर है वो जीरो के इक्वल आ चुका है और इसका ये मतलब है कि एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव का फैक्टर है तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखते हैं सिंस द रिमाइंडर इज जीरो एक्स माइनस फाइव नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है एक्स माइनस टू एंड द सेकेंड पॉलिनोमियल इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्र माइनस सेवन एक्स प्लस वन पी ऑफ एक्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स प्लस वन के अब हम पुट करेंगे एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल तो हमारे पास यहाँ पे एक्स इक्वल आ जाएगा टू के नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे पी ऑफ टू एंड दिस इज इक्वल टू टू क्यूब प्लस टू स्क्वेयर माइनस सेवन इंटू टू प्लस वन एंड दिस इज इक्वल टू एट प्लस फोर माइनस फोर्टीन प्लस वन एट प्लस फोर इज ट्वेल्व एंड ट्वेल्व प्लस वन इज थर्टीन थर्टीन माइनस फोर्टीन इज माइनस वन अब यहां पे देखा जा सकता है हमारे पास रिमाइंडर माइनस वन के इक्वल आ रहा है विच मीन्स रिमाइंडर इज नॉट जीरो सो एक्स माइनस टू Is not a factor of x cube plus x square minus seven x plus one. Since remainder is not zero, so x minus two is not a factor. ऑफ़ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेर माइनस सेवन एक्स प्लस वन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेवन और इसमें जो फर्स्ट पोलिन है वो है ओमेगा प्लस टू एंड द सेकेंड पोलिन इज़ टू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस फोर ओमेगा प्लस सेवन हमारे पास यहाँ पे अन है वो है ओमेगा तो यहाँ पे हम अब लिखेंगे पी ऑफ ओमेगा एंड दिस इज इक्वल टू टू ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस फोर ओमेगा प्लस सेवन नेक्स्ट हम ये करेंगे ओमेगा प्लस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास ओमेगा आ जाएगा माइनस टू के इक्वल अब हम फाइंड करेंगे पी ऑफ माइनस टू उमेगा की जगह आ गया है माइनस टू तो यहाँ पे आ जाएगा टू इंटू माइनस टू क्यूब प्लस माइनस टू स्क्वेर माइनस फोर इंटू माइनस टू प्लस सेवन एंड दिस इज़ इक्वल टू टू इंटू माइनस एट प्लस फोर प्लस एट प्लस सेवन और ये इक्वल आ जाएगा माइनस सिक्सटीन फोर प्लस एट प्लस सेवन इज नाइनटीन तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस नाइन्टीन एंड दिस इज इक्वल टू थ्री अब यहाँ पे भी अगेन देखा जा सकता है हमारे पास जो रिमाइंडर है वो थ्री के इक्वल आ रहा है विच मीन्स द रिमाइंडर इज नॉट ज़ीरो सो ओमेगा प्लस टू इज नॉट अ फैक्टर ऑफ टू ओमेगा क्यू प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस फोर ओमेगा प्लस सेवन सेंस The remainder is not zero, so Omega plus two is not a factor of two Omega cube plus Omega square. माइनस फोर ओमेगा प्लस सेवन नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है एक्स माइनस ए एंड द सेकेंड पॉलिनोमियल इज एक्स रेस्ट टू द पावर एन माइनस ए रेस्ट टू द पावर एन वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर तो यहां पे हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा पी ऑफ एक्स एंड दिस इज इक्वल टू एक्स रेशो द पावर एन माइनस ए रेशो द पावर एन अब हम एक्स माइनस ए को जीरो के इक्वल पुट करेंगे पुट एक्स माइनस ए इस इक्वल टू ज़ीरो तो हमारे पास जो एक्स है वो इक्वल आ जाएगा ए के अब हमने फाइंड करना है पी ऑफ ए पी ऑफ ए इक्वल आ जाएगा ए रेशो द पावर एन माइनस ए रेशो द पावर एन एंड दिस इज इक्वल टू जीरो अब यहां पे हमारे पास रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ चुका है और इसका मतलब ये है एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स रेस टू द पावर एन माइनस ए रेस टू द पावर एन सिंस रिमाइंडर इज जीरो सो एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एक्स रेशो द पावर एन माइनस ए रेशू द पावर एन क्वेश्चन नंबर नाइन में जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो है एक्स प्लस ए एंड द सेकेंड पॉलिनोमियल इज एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस ए रेस्ट टू द पावर एन वेयर एन इज़ एन ऑड इंटीजर सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास पी ऑफ एक्स एंड दिस इज़ इक्वल टू एक्स रेस्ट टू द पावर एन प्लस ए रेस्ट टू द पावर एन अब हम एक्स प्लस ए को ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो एक्स है वो इक्वल आ जाएगा माइनस ए के अब हमने फाइंड करना है पी ऑफ माइनस ए And this is equal to minus a माइनस to the power n plus a ए to the power n अब यहाँ पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसमें गिवन है कि n एक ऑड इंटीजर है इसका मतलब ये है माइनस ए के ऊपर ये जो पावर n है ये एक ऑड पावर है तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ए अगर हमारे पास ये जो एन है एक इवन इंटीजर होता तो ये माइनस ए की फॉर्म में आ जाता लेकिन एन हमारे पास एक odd इंटीजर है इसी वजह से माइनस ए रेशो द पावर एन इक्वल है माइनस ए रेशो द पावर एन के प्लस ए रेशो द पावर एन एंड दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो अब यहां पे देखा जा सकता है हमारे पास रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ रहा है विच मीन्स x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ x रेस टू द पावर n प्लस ए रेस्ट टू द पावर n सेंस द रिमाइंडर इज जीरो सो एक्स प्लस ए

ये जो पोलिनोमियल है x रेस्ट टू द पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इसको नेम देते हैं पी ऑफ एक्स का एंड दिस इज इक्वल टू x रेस्ट टू द पावर फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री नेक्स्ट हम ये करेंगे x माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास जो x है वो इक्वल आ जाएगा टू के अब हम फाइंड करेंगे p ऑफ टू एंड दिस इज इक्वल टू टू रेशो द पावर फोर प्लस टू इंटू टू क्यूब प्लस के इंटू टू स्क्वेयर प्लस थ्री एंड दिस इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन प्लस फोर के प्लस थ्री तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फोर के प्लस थर्टी फाइव अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास जो रिमाइंडर है वो आ रहा है फोर के प्लस थर्टी फाइव के इक्वल और इसके अलावा क्वेश्चन में भी हमारे पास गिवन है कि जो पोलिनोमियल है इसका रिमाइंडर है वन तो यहाँ पे अब हम ये करेंगे फोर के प्लस थर्टी फाइव को वन के इक्वल पुट करेंगे गिवन दैट रिमाइंडर इज वन सो वन इज इक्वल टू फोर के प्लस थर्टी फाइव अब हम इसवेशन को के के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा फोर के इज इक्वल टू वन माइनस थर्टी फाइव फ़ोर के इक्वल आ जाएगा देन माइनस थर्टी फोर के इक्वल और के हमारे पास इक्वल आ जाएगा माइनस थर्टी फोर ओवर फोर के इक्वल अब यहाँ पे हम सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू इंटू टू इज़ फोर एंड टू इंटू सेवनटीन इज़ थर्टी फोर तो हमारे पास ये जो के है ये इक्वल आ चुका है माइनस सेवनटीन ओवर टू के सो दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिजल्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इलेवन वेन द पोलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायेर प्लस के एक्स प्लस फोर इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू द रिमेंडर इज फोर्टीन फाइंड द वैल्यू ऑफ के अब यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वेर प्लस के एक्स प्लस फोर के नेक्स्ट हम एक्स माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक्स इक्वल आ जाएगा टू के अब हमने फाइंड करना है पी ऑफ टू एंड दिस इज इक्वल टू टू क्यूब प्लस टू इंटू टू स्क्वेयर प्लस के इंटू टू प्लस फोर तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा एट प्लस एट प्लस टू के प्लस फोर के इक्वल क्वल टू टू के प्लस ट्वेंटी हमारे पास जो रिमाइंडर है वो इक्वल आ रहा है टू के प्लस ट्वेंटी के और इसके अलावा क्वेश्चन में भी हमारे पास गिवन है जो रिमाइंडर है वो इक्वल है फोर्टीन के तो यहाँ पे अब हम ये करेंगे फोर्टीन को टू के प्लस ट्वेंटी के इक्वल पुट करेंगे given that, the remainder is 14 so 14 is equal to 2k plus ट्वेंटी अब हम इस equation को k के लिए solve करेंगे तो so हमारे पास आ जाएगा टू के इज इक्वल टू फोर्टीन माइनस ट्वेंटी टू के इक्वल आ जाएगा माइनस सिक्स के और k इक्वल आ जाएगा माइनस सिक्स ओवर टू के अब यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे टू इंटू वन इज टू टू इंटू थ्री इज सिक्स तो k हमारे पास इक्वल आ चुका है माइनस थ्री के सो दिस इज़ आवर फाइनल एंड रिक्वायर्ड रिज़ल्ट स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.5 को क्वेश्चन नंबर वन टू क्वेश्चन नंबर इलेवन सॉल्व कर लिया है नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व से कंटिन्यू करेंगे मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा हम मिलेंगे अगले लेक्चर में